हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सबाना नासरीन, और मैं हूँ सबाना। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ थनाका पाउडर और कुसुम्भा ऑयल के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है कि ये हेयर रिमूव करने पे हेयर ग्रोथ नहीं आती, उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। पर्सनली मैं इसको अराउंड 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल कुछ इफ़ेक्ट मुझे नहीं दिखा। ना तो चेहरा लाइट करता है, ना ग्लो कोई प्रोवाइड करता है, और ना ही ये ग्रोथ को कम करने में हेल्प करता है। जैसा है वैसा ही रहता है, बस पैसे की बर्बादी, यही है। मैंने भी देखा था यूट्यूब पे, हर जगह पे, तो मैंने इसको मंगवाया और यूज़ किया। मैंने बॉटल्स चेंज कर दिया, मतलब इस डब्बे में रखा है, ये है थनाका पाउडर, बहुत सुना है इसके बारे में। तो ये है थनाका पाउडर और ये है कुसुम्भा ऑयल। मैंने देखा है कि इसको मिलाने से बहुत अच्छे से मिल जाता है, और अपने फेस पे या हैंड पे, जहाँ भी आपने हेयर रिमूव किए हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और करोगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाएगा और स्किन पे ग्लो प्रोवाइड कर देगा। तो चलिए एक बार। और मैंने देखा है कि ये बहुत आसानी से लग जाती है। मैं ले रही हूँ एक छोटा सा प्लेट, और ये है कुसुम्भा थनाका पाउडर। तो ये देखिए मेरे पास, तो ये मैं ले रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ये एक टीस्पून जैसा, देखिए ये है। और ये लेना है, इस तरीके से मिलाना है। रखिए, तो ये देखिए ये मिल गया है, और मैं आपको दिखाती हूँ जिसके आपने निकाला है, ये ना लगता ही नहीं। ये देखिए, आप जहाँ से लगाओगे ना वहाँ से निकल जाएगा, इस तरीके का टेक्चर है, ऑयल है बिल्कुल। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ हैंड पे, तो ये ना इस तरीके से सर्कुलर मोशन, ये मॉइस्चर ज़रूर प्रोवाइड करता है बट हेयर ग्रोथ को बूस्ट बंद नहीं करता। जो भी आपके फेशियल हेयर्स होते हैं ना, अगर आपके मतलब जैसे अपर लिप्स या आईब्रो, जैसे आपने आईब्रो करवाई फिर उसके बाद लगाया, तो आप सोचेंगे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम वर्क करता है ये ऑयल। आप इस तरीके से मसाज करके लगाओगे तो अच्छे से लगेगा, बट ये थनाका पाउडर और कुसुम्भा ऑयल बहुत ज़्यादा वर्क बिल्कुल भी नहीं करता। बस ये थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड कर देता है अपने आपके फेस को या हैंड को, आप जहाँ भी लगाओ थोड़ा सा ब्राइट कर देता है, बट ये फेशियल हेयर रिमूव नहीं करता। मैं इसीलिए शुरुआत में ये कहा था कि ग्लो प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ये बस थोड़ा सा ग्लो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड करेगा ना, स्किन टोन लाइट करेगा। और अब स्किन टोन लाइट की क्या ज़रूरत, हमारी जैसी स्किन है वैसी बहुत अच्छी है, तो थोड़ा सा ग्लो प्रोवाइड करता है बस। आपको इस तरीके से मसाज, आपको जो ऑयल है ना आप ऐसे ही सर्दियों में लगा लोगे तो आपकी जो मॉइस्चराइजिंग हो जाएगी, ड्राई फील नहीं करेगी, इतना ही है। तो इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये फेशियल हेयर आपकी रिमूव कर देगा, बहुत जल्दी बंद कर देगा, तो ये बहुत गलत बात है। ये फेशियल हेयर को रिमूव बिल्कुल भी नहीं करता है, फेशियल हेयर को रिमूव। तो इस वहम में मत रहिए कि ये फेशियल हेयर रिमूव कर देगा। आज तक मैंने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं देखा जिसने फेशियल हेयर या अनवांटेड हेयर को रिमूव कर दिया। अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखा है बहुत बजट में है, बहुत सारे 1000 के 2000 के 1500 के, बट मेरा उतना बजट नहीं है, तो मैं अभी उन सबको यूज़ नहीं कर सकती और आप लोगों को नहीं बता सकती। जब मेरे पास उतना बजट होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी कि हाँ कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेशियल हेयर को रिमूव ग्रो नहीं करने में हेल्प करता है, उनके जड़ों को डैमेज कर देता है। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मुझे नहीं मिला है। पर्सनली मैं इनको 1.5 साल या 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, बट कोई फ़र्क नहीं दिखा।
तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप भी कहीं देख लो, अगर कुसुम्बा ऑयल बहुत वर्क करता है तो प्लीज़ से यूज़ मत करना, क्योंकि वर्क नहीं करता। ऐसे बहुत अच्छा है ये ऑयल, बट वर्क नहीं करता, थोड़े फेस को अच्छा कर देता है इतना ही है, बट ये हेयर ग्रोथ को कम नहीं करता, जैसा है वैसा ही होता है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसीलिए मैं अब एंड करती हूँ वीडियो को, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।